And now the deletion of records, or you can say tuples. Records are tuples from table. या आप इस टेबल को क्या बोल सकते हैं, रिलेशन, एसक्यूएल रिलेशन. ओके, तो डिलीशन ऑफ अ स्पेसिफिक टपल मींस स्पेसिफिक टपल्स या स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स. मींस अगर आपको कह दिया जाए कि एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन में से उन टपल्स को डिलीट कर दो जिनकी एज क्या है, 19 या उससे ज्यादा है, 19 या उससे ज्यादा है, तो हम इसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. टेबल का नाम दे देते हैं, इसका नाम है स्टूडेंट. ओके, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर. जैसे ही कोई कंस्ट्रेंट आती है कि उन टपल्स को डिलीट करो जिनकी एज 19 या 19 से ज्यादा है, तो कंडीशन वो प्रेडिकेट वेयर क्लॉज में लिखा जाएगा. यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. एज क्या है, 19 से के बराबर या उससे ज्यादा है, 19, तो उन टपल्स को डिलीट कर दो. ये एक स्टेटमेंट पूरी हुई. जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराओगे क्या होगा, इस रिलेशन से ये फर्स्ट टपल, ये सेकंड टपल और ये लास्ट टपल डिलीट हो जाएंगे. टपल का मतलब पूरी की पूरी टपल डिलीट हो जाएगी. ओके, स्पेसिफिक टपल्स को डिलीट करना है. याद रहे, डिलीशन, डिलीटिंग द पार्ट ऑफ टपल इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल मींस अगर कोई आपसे कह दे कि जिन लोगों की एज 19 या उससे ऊपर है उनका नाम और उनके मार्क्स डिलीट कर दो, पार्ट ऑफ टपल, दैट इज नॉट अलाउड. वो पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इस तरीके से हमने सीख लिया डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक टपल्स. डिलीट कीवर्ड है, फ्रॉम कीवर्ड है, स्टूडेंट टेबल का नाम है जिस टेबल से डिलीट करना है, वेयर क्लॉज में वो कंडीशन है जिन स्पेसिफिक टपल्स को तुम्हें डिलीट करना है उस पर बेस्ड कंडीशन है जिसमें इस रिलेशन के ट्रिब्यूट्स को यूज किया जाएगा. ओके, ये एक बात हो गई. नाउ सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि इस रिलेशन के सारे टपल्स को डिलीट कर दिया जाए, तो ये हम सीख चुके हैं. ओके, नाउ अगर कोई कहता डिलीशन ऑफ द सेकेंड पॉइंट, डिलीशन ऑफ ऑल टपल्स ऑफ अ रिलेशन. सपोज करो इस टेबल के सारे टपल्स को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आप ये वेयर क्लॉज की कंडीशन मत रखिए यहां पर. यहां इस रिलेशन, इस मींस एसक्यूएल क्वेरी से मैंने क्या किया, वेयर की कंडीशन हटा दी. अगर आप वेयर की कंडीशन हटा दोगे तो डिफॉल्ट में क्या करेगा, इस रिलेशन स्टूडेंट के सारे टपल्स को डिलीट कर देगा. ओके, तो ये हो गया डिलीशन ऑफ ऑल टपल्स. नाउ यहां पर नोट में पहला पॉइंट मैंने बता दिया. सेकेंड पॉइंट, डिलीशन ऑफ टपल्स कैन बी डन ओनली फ्रॉम वन रिलेशन एट अ टाइम. मींस अगर आपसे कोई कह दे एक टेबल स्टूडेंट है, एक कोई दूसरी टेबल कोई बना दे, यहां पर ये कोई दूसरी टेबल बना दे सपोज करो, और एक ही टाइम पर आपसे कहे कि दोनों टेबल से डेटा टपल्स डिलीट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल. डिलीशन एक टाइम पर सिर्फ एक ही रिलेशन, एक ही टेबल से पॉसिबल है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, डिलीशन ऑफ टपल्स माइट ट्रिगर फर्दर डिलीशन. ये किस केस की बात कर रहा है, ये है
referential integrity, referential integrity, या कह लीजिए जब टेबल फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करके एक दो मींस मोर देन वन टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो अगर आप जो है पेरेंट टेबल से कुछ डिलीट कर रहे हैं तो चाइल्ड टेबल के टपल्स में उसका इफेक्ट आएगा, हो सकता है कि वो भी डिलीट हो। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट इसके बारे में बोल रहा है। और इसका थ्योरेटिकल पॉइंट जो है, मैंने डीबीएमएस में, थ्योरेटिकल डीबीएमएस में आपको पढ़ाया है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में, या कह लीजिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके,